दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आपको मैं निराश नहीं करूंगा। थंबनेल के जो दिखाया हूं, मैं उसी के बारे में सब कुछ बताऊंगा आपको। आप बस देखते रहिए, कैमरा में इधर फोकस कीजिए, एक बार इधर देखिए। आपको उस कैस्केड के बारे में आपको मैं बता दिया था, यहाँ तक कि बूस्टर के अंदर की सारी जानकारी दे दिया था। ऑयल पम्प क्या होता है, ऑयल फिल्टर के बारे में बता दिया था, और सक्शन फिल्टर के बारे में बता दिया था, और कैस्केड के बारे में, प्योरिटी पैनल के बारे में सब कुछ आप लोगों को बता दिया था। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस पैनल की वायरिंग के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो पैनल की वायरिंग देखिए, मैंने सारे नटों को खोल रखा है। अब बस केवल एक नट खोलना है, एक एक नट खोल के, और जो है कि आप लोगों को दिखाना है। देखिए, देखिए, ये है जो इसको टच नहीं करना है, ठीक है। ये जो है, ये चीज़ जो है अपना आ रहा है इलेक्ट्रिक पैनल में से, इलेक्ट्रिक रूम में से जो आ रहा है, जो डायरेक्ट लाइट आ रही है 440 वोल्ट की, वो है थ्री फेस, ठीक है। ये इसका ट्रांसफार्मर है, ये इसका ट्रांसफार्मर है। अब ये क्या है, ये सब फ्यूज़ है, और ये इसका कनेक्टर है, ठीक है। इसमें हमें ज़्यादा टच नहीं करना है, क्योंकि यहीं से जो है सारी बिजली कनेक्शन आती है, और यहीं से सारे जगह सप्लाई होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ वायर यहाँ से आए हैं, ठीक है, और ये वायर इसके अंदर जाके एनर्जेटिक में लगे हैं, ठीक है। इस पर लिखा हुआ भी है, डू नॉट ओपन वायर एनर्जाइज, यानी कि चलते समय इसको नहीं खोलना चाहिए। दोस्तों, अब हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे एक लगा दिए, इसको हमने लगा दिए, अब इसको देखते हैं। इसका भी एक नट खोल देते हैं, देखिए ये खुल गया। अब देखिए, जो है आपको मैंने वोल्टेज सेटअप के बारे में बता दिया था कि अगर वोल्टेज कम ज़्यादा होता है तो कैसे उसको सेटअप करते हैं। तो वोल्टेज सेटअप के बारे में बता दिया था, आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। सारी वीडियो देख लेंगे तो आपको सारा कुछ ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, ये होता है कॉन्ट्रेक्टर। ये क्या होता है, जब मशीन चालू करते हैं, इसके अंदर चुंबकीय बल होता है, वो चिपकता है, और जो मशीन जो है रनिंग करने लगता है, तो ये कभी कभी मिस हो जाता है। अच्छा, जो वायरिंग हमारी आ रही है, इधर आइए थोड़ा, ये जो वायरिंग आ रही है, ये इसी में से आ रही है, नीचे वाले में से, जिसको हमने दिखाए थे कि वो जो मेन सप्लाई आती है, उसी में से सारी वायरिंग हर जगह फैला हुआ होता है। तो देखिए, ये वायरिंग इसमें आई है, ये कॉन्ट्रेक्टर में सब वायरिंग है, और ये वोल्टेज सेटअप वाला में है, और ये MPCV, इसको क्या कहते हैं, जैसे एयर कंप्रेसर का हो गया, फ़ैन 1, फ़ैन 2, और वाटर मोटर, ये चारों का है। जैसे वाटर मोटर हो गया, फ़ैन 1, फ़ैन 2, और एयर कंप्रेसर, ये चारों के MPCV है। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये गिर जाए, ठीक है, कभी कभी ये ट्रिप हो जाता है। तो ट्रिप होने के समस्या में हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि चल नहीं रहा है बूस्टर, तो उसमें पैनल में लिखा हुआ आ जाता है कि हमारा क्या चीज़ ट्रिप हुआ है। तो लिखा रहेगा MPCV एयर कंप्रेसर ट्रिप, या MPCV फ़ैन 1 ट्रिप। तो जब ट्रिप हो जाएगा तो ये ऐसे नहीं होता है, इतने पे ही रहेगा। इसको अगर ट्रिप हम खोलते हुए तो नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ट्रिप को ऐसे रखे रहेंगे, इस चीज़ को जो है इस यहाँ पे K2 जो लिख रहा है, इसको ऐसे जोर, इसको दबाए रखेंगे 5 सेकंड के लिए। दबाने के बाद फिर ऐसे दबाए दबाए रहेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे पीछे लिए। फिर उसके बाद इसको हम ऐसे करेंगे, ये ट्रिप हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। ये ट्रिप तोड़ने का तरीका होता है। अच्छा, दूसरा चीज़, कभी कभी क्या होता है कि ये जो चीज़ है ये मिस हो जाता है। तो मिस हो जाता है तो हम सोचते हैं कि क्यों मिस हो गया, ख़राब हो गया है क्या। ये ख़राब नहीं होता है, यहाँ पे कनेक्टर लगा है। देखिए, ये जो कनेक्टर है, इसको ये नीचे इसको दबाएंगे, और इसको ऐसे दबा के इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर ये नीचे हो जाता है कभी कभी ऐसे, तो वहाँ से ढीला होता है। तो क्या करिए आप, इसको नीचे दबा के इसको ऊपर ऐसे कर देंगे, सारे टाइट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। देखिए, ये दो चीज़ तो मैं बता दिया, ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, कभी कभी हो जाती है। अच्छा, ये होता है टाइमर, इसको नहीं छेड़ना है। अगर आप इसको छेड़ेंगे तो बूस्टर जो है बहुत तेज़ी से चलने लगेगा, ख़राब भी हो सकता है। इसको कुछ नहीं छेड़ना है, ये 3 से 4, 3 से थोड़ा सा ऊपर ये रहना चाहिए इसको, बस उससे अधिक नहीं रहना चाहिए। वोल्टेज सेटअप तभी करें जब आपका वोल्टेज प्रॉब्लम आता हो, तब अंडरवर वोल्टेज रिले ऑपरेटेड, इसके बारे में मैं वीडियो बनाया हूँ, उसको देख लीजिएगा। इतना कुछ समझ में आ गया, यही सब वायरिंग है। देखिए, ये भी फ्यूज़ लगे हैं, ये एक वायर गया है इसके अंदर, ये सारे फ्यूज़ों को कनेक्ट कर रहा है,
और इनके जो वायर है वो देखिए इनमें भी आके है। देखिए इसको मैं निकालता हूँ, निकाल दिया। देखिए दोस्तों इधर आइए, इधर लाइए कैमरामैन। कैमरामैन नहीं है ये, देवा है, इनका नाम है देवा। ये जो है बहुत बढ़िया कारपेंटर है। इनको आज बोले कि ठीक है चलो वीडियो बनाते हैं, तो हमने आज वीडियो बनाए हैं। और पीछे देखिए ये है बैरियर, ये बैरियर होता है और ये होता है रिले, और ये सीपीयू है, सीएम है, पीएसआई। इसमें कुछ नहीं कर रहा है, अगर इसमें ख़राब होता है तो सिंपली इसको हम इसे उठाते हैं। पहले इसको मैं लगा दूंगा, इसको उठा के इसको लगा के लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज़, कुछ ख़राबी होगा है तो उसको ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। ये रिले है, रिले को ऐसे हम चेक कर सकते हैं, इसको ऐसे दबाएंगे और ये रिले निकल जाएगा। इसमें हम देख सकते हैं कुछ ख़राबी तो नहीं है, अगर ख़राबी होगी तो नहीं तो फिर इसको हम ऐसे सीधे लगा देंगे, ठीक है। ये सब फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ है क्या क्या होता है, ये इन फ्यूज़ों में, ये जो इन्हीं फ्यूज़ों में एक आध फ्यूज़ ऐसा होता है जो ये सारी बल्बों को जलाने का काम करता है, जो पैरामीटर में चलते हैं उसको चलने का काम करता है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे हैं कि वायरिंग इतनी है समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम सबसे पहले तो ये देखिए, इसको देखिए, देखिए ये सब है फ्यूज़ लगे हुए, ठीक है। इनमें क्या होता है आप देख सकते हैं, पहली बात तो अगर कोई ख़राबी हो, अगर फ्यूज़ उड़ा हो तो ये जो बत्ती दिख रही है 240 और 13 के बीच में, ये प्लास्टिक की एक बत्ती है, वो बत्ती जल जाती है, लाल रंग का दिखने लगता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा फ्यूज़ उड़ा हुआ है, ठीक है। तो वैसे तो आपको पता चल जाएगा फ्यूज़ उड़ा है, नहीं पता चलेगा तो आप जो है कि इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, उसकी कंटिन्यूटी चेक करके आप पता लगा सकते हैं कि फ्यूज़ उड़ा है कि नहीं है, ठीक है। आप देख यहाँ पर जैसे ये FD लिखा हुआ है, सक्सिटी लिखा हुआ है, लो इमरजेंसी हाई ऑयल हूटर सक्शन स्टेज टेस्ट टू, लो प्रेशर हाई प्रेशर, ठीक है, वाटर प्रेशर वाटर RTD, ठीक है। इसका मतलब कि अगर आपका जैसे मान लीजिए कि इमरजेंसी नहीं लग रहा है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका फ्यूज़ तो नहीं उड़ा है। हूटर नहीं बज रहा है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका फ्यूज़ तो नहीं उड़ा है, ठीक है। तो ये सब हो गया, और इसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है दोस्तों, और इसमें आपको ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर ख़राब होगा तभी आप जो है कि इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। एक बार क्या हुआ था कि एक्चुएटर नहीं खुल रहे थे, तो एक्चुएटर नहीं खुल रहे थे तो हम परेशान हो गए थे, इसमें वायरिंग जो है थोड़ा गड़बड़ लगा है, फिर उस वायरिंग को हमने सही किए हैं। मेन बात है कि ये जो वायर है ना, ये वाली वायर जो है इस वाली वायर से कनेक्ट है, तो एक्चुएटर नहीं खुल रहा था तो ये भी फ्यूज़ उड़ जा रहा था और ये वाला फ्यूज़ भी उड़ जा रहा था। तो उस समय हमने क्या किया कि जब पता लगाया तो वो वहाँ का जो एक्चुएटर का, वो मेन बात है कि वो मेन फ्यूज़ वो वहाँ एक्चुएटर का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लो मीटर वाटर पंप ऑयल स्विच, अगर इनमें आपको कमी नहीं पता चली तो फिर आप इसमें देख सकते हैं, बैरियर में रिले में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, और मैं अपने इस वीडियो में 2-3 लिंक डाल दूंगा, बाकी सब प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मैं आप इसमें डाल दूंगा, जिसमें आपको CNG के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और मैं आशा करता हूं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।